मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बट आई डोंट नो उसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आज मान लो 100 किलोमीटर घूमने गई, हमारा डिस्ट्रिक्ट 44 किलोमीटर कुछ है, तो मैं वहाँ पे घूमने गई। एक्चुअली डॉक्टर पर्पस से गई थी और पार्सल भी लेना था, बट कुछ भी काम नहीं हुआ, डीमार्ट जाके घूम के आ गई और गुरुद्वारा दर्शन ले लिया। ऐसे ड्राइवर से मैंने बातें की तो पता चला कि भाई जो जो ओनर है ड्राइवर कार का, उसने जो है ड्राइवर को 6,000 महीना दे के रखा हुआ है, और पर डे अगर कोई कार लेता है तो 1,000 रुपये उसको ओनर को देने होते हैं। उसके बाद 10 रुपये किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लो हो गया तो 10 रुपये किलोमीटर से जो है गाड़ी चलती है। और तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या हुआ था, मैं जब शिरडी वगैरह जाती हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं होता, 1,000 लोगों को पूछो कोई भी अवेलेबल नहीं है। लिटरली मैं इस बार इतनी बीमार थी और मुझे मैंने बोला कि मैं अब नहीं जा सकती शिरडी, मुझे अस्थमा की तकलीफ़ हो रही है और मुझे कोई तो चाहिए साथ में, बट कोई भी अवेलेबल नहीं था। अब देखो मैं डिस्ट्रिक्ट से 10 दिन से सोच रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, हॉस्पिटल जाऊँ, डिस्ट्रिक्ट जाऊँ, अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊँ, बट मेरे पास एनर्जी ही नहीं थी। रोज़ उठती थी मैं, फिर से सो जाती थी। तो लिटरली नीड योर ओन कार, आपको एज अ फैसिलिटी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कोई गरीब देखती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबसे बड़ा अमीर है, जो एक फिजिकली फिटनेस होता है वो भी सबसे बड़ी लक्ष्मी है, वो भी सबसे बड़ी अमीरी है आपकी। आपके कितने सारे पैसे बच जाते हैं, आप दुनिया घूम सकते हो, आपको ना ड्राइवर की ज़रूरत है, ना कार की ज़रूरत है, ना किसी कूली की ज़रूरत है। लेकिन वही अगर आपके पास नहीं हो तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको है, तो अब मुझे वो ज़रूरत आन पड़ी है। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना बिजनेस पर्पस से एक कार खरीदी जाए, लोन लिया जाए और थोड़े बहुत पैसे खुद डाल दिए जाए और दे दी जाए किराए पे गाड़ी। जिस दिन किराए पे नहीं जाएगी उस दिन शिरडी वगैरह या कहीं भी मुझे घूमना हो तो मैं घूम लूँगी, और ड्राइवर एक रख देंगे 6,000 रुपये महीने से, हम भी रख देंगे। और लेकिन मेरे फादर ने मुझे डरा दिया, उन्होंने कहा कि अगर बैंक का लोन तुम नहीं दे पाई तो तुम्हारी गाड़ी ले जाएंगे बैंक वाले। इट्स टू डेंजरस, इंसल्टिंग। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या किया जाए यार, क्यों ना ऐसा किया जाए, लोन का टेंशन ही मारो गोली, सेकेंड हैंड कार लिया जाए। क्योंकि इस समय मुझे मेरे हेल्थ के हिसाब से एक कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो हमारे घर की कार है लेकिन यार मैं उसके ऊपर अधिकार जमाना नहीं चाहती, या मैं एवरीडे ड्राइवर भी नहीं है आपके पास। अगर आप बिजनेस पर्पस से लेते हो तो आप फिक्स एक ड्राइवर रख सकते हो और फिर आप ड्राइवर को बोल सकते हो चलो मेरे साथ, क्या फ़र्क पड़ता है, और कहीं भी घूम सकते हो। यार अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे शिरडी जाना है, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, और मैं बहुत ही हेल्पलेस हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब मुझे मार्केट भी जाना है तो मैं किसको बोलूँगी, और ऐसे पर्सनली मैं ड्राइवर नहीं रख सकती, या 1 घंटे के लिए ड्राइवर नहीं रख सकती, या मैं तो ये नहीं हो सकता। तो मैं अपने घर के लोगों को नहीं बोल सकती कि चलो ड्राइव करो और मुझे ले जाओ, एक दिन डिस्ट्रिक्ट घुमा के लाओ, तो जिसका काम उसी को साजे, जो उस चीज़ के लिए बना है उसका जो महीने का ठेका जिसने ले रखा है एज अ ड्राइवर, उसको हम बोल सकते हैं। जो 1,000 काम में फंसे हुए हैं अपने घर वाले, उनको कहाँ बोलेंगे कि मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे शिरडी ले जाओ।
तो ये कार तो किसी काम की है नहीं जो हमारे घर में है, क्योंकि विदाउट ड्राइवर वो किसी के पास इतना टाइम नहीं कि मुझे घुमा के लाए। तो बेटर वे मैं सोच रही हूँ कि बिजनेस पर्पस से खरीदूंगी, थोड़े बहुत रिटर्न भी आ जाए, जितने डाले उतने भी आ जाए। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? कहीं ये बहुत बड़ी उड़ान तो नहीं होगी, या उस पर भी कुछ काला जादू कर दिया? यार मेरे तो दुश्मन बहुत है, उस पर भी कुछ काला जादू कर दिया और मैं लॉस में चली गई, जो कमाया वो भी चला गया, तो क्या करेंगे? सो आई जस्ट कन्फ्यूज, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए?